नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। ये नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे आज नहीं जारी होंगे। सीबीएसई की पीआरओ रमाशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं बोर्ड के नतीजे 5 मई को जारी होने की खबर सोशल मीडिया पर फेक चल रही थी। उन्होंने कहा, 10वीं बोर्ड के परिणाम को जारी करने की अगली तिथि आधिकारिक संचार के माध्यम से दी जाएगी। लखनऊ के ब्राइटवे कॉलेज के छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली। छात्रों और अध्यापकों ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में सभी अपने मताधिकारों का प्रयोग करें। इसके लिए बच्चों ने रैली करके लोगों से सही नेता चुनने की अपील की है। बच्चों ने कहा कि हमारे द्वारा दिया गया एक वोट हमारे बीच सही व्यक्ति चुनने में हमारा सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दरियाबाद विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां सीएम योगी ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की तरह अजहर मसूद की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, वैसे ही अजहर मसूद को भी मारा जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस सपा और बसपा के लोगों को केवल वोट बैंक की चिंता है। अलीगढ़ के थाना लोधा में पत्नी को लेने ससुराल गए युवक की पत्नी के भाइयों ने और दोस्तों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे भाई के साथ ये हुआ था, कल मुझे फोन आया था कि मेरे साले पीट रहे मुझे, कर रो करके याद मुझे बचा लो। किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? ये दोनों आदमी रहते थे, टेंशन रहता था। फिर मेरा भाव फिर बच्चों के लेके आया, मेरी औरत नहीं आई उसकी, फिर भी मेरे गांव में नहीं आई, मेरे घर पे भी नहीं आई। फिर के तो फिर वो दोबारा चलो आए, पांच बच्चे उनको मैं पालू या कौन पाले। हापुड़ के धालौना थाना क्षेत्र के यूपीएसआई डीसी में स्थित कूलर फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसमें कूलर फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना पाकर घंटों बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में 28 अप्रैल को हुई 40 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी राजकुमार के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा ने मोगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चीमा के अकाली दल और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पंजाब की जनता ने इन दोनों पार्टियों को पूरी तरह से नकार दिया है और आने वाले 23 तारीख को इसका नतीजा आप सबके सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावस्ती में भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा के समर्थन में एक जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आईसीयू में पहुंच चुकी है, उनके पास अब फोटो खींचने वाले नेताओं के अलावा कोई नेता नहीं बचा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार ब्रजेश गोयल के समर्थन में रोड शो कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अचानक एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया, जिससे आप आक्रोशित कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बागपत के यमुनोत्री हाईवे पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शरीर पर लगी चोट से आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को फेंका गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की कार्रवाई की जाएगी।